हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज क्लास 12 फिजिक्स में हम लास्ट क्लास जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी से आगे बढ़ेंगे और उसी को लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में हम ओम्स लॉ पढ़े थे और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। उसके बारे में हम ओम्स लॉ से समझे थे। फॉर्मूला कुछ ऐसे मिला था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट वी बाय आई, और रेजिस्टिविटी के लिए हम निकाले थे रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऐसे फॉर्मूले हम निकाले थे, ठीक है। पर आज उसी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए कुछ और अलग फॉर्मूले निकालेंगे जो कि उनके मेन फॉर्मूले हम मान के चलेंगे। ओके, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टिविटी देखेंगे और कॉज जानने के लिए हम उनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उन दोनों के लिए उसको आज डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला अलग है, पर हम लास्ट क्लास में ये बताया गया था, भले ही आर इक्वल टू वी बाय आई है, भले ही आर इक्वल टू वी बाय आई हम लिखते हैं, पर रेजिस्टेंस कभी भी वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, क्यों रेजिस्टेंस होता है, आज वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर में, तो हम डिस्कस किए थे कि लेंथ के ऊपर, एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, वो सब ठीक है, पर यहाँ पर देखेंगे कि क्यों उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, तो ये उसका मेन फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, यूजफुल है पर मेन फॉर्मूला नहीं। तो आज आर और रो के लिए कुछ और अलग फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले फॉर आर एंड रो, ओके। इसके लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर के लिए फॉर्मूले देखेंगे। अच्छा, क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं? हाँ पढ़ चुके हैं। फॉर्मूले पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। और फॉर्मूले को जैसे पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई ई टाओ बाय एम, ये सब सिंबल में पता है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये माइनस ई होता है अगर इलेक्ट्रॉन है तो, कंडक्टर है तो यहाँ पे माइनस दे के लिखते हैं, पर यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के थ्रू जो मेंटेन होगा, जहां पे फिर चार्ज मोशन करेगा। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, सब पढ़े हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते करते जाते हैं, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो उनको टाइम मिलता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और उनका एवरेज जब निकालते हैं सभी के लिए तो होता है टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बताया गया था एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात तो है। अच्छा, हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, ई वी टाउ बाय एम एल, कहाँ से आया ये, इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या होता है लेंथ, ये भी हमें पता है, ई इक्वल टू वी बाय एल, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमें, चलो इसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन भी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे आई इक्वल टू होता है एन ए वी डी इंटू एन ए वी डी ई, ऐसे पढ़े थे आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, आई होगा करंट, एन होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो, ठीक है। इसको अगर ये याद नहीं है, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 12 फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया गया वहां पे, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई तो है चार्ज उसका, क्लियर है ये बात। तो अगर यहां पे हम इसको यूज कर दें VD के लिए तो क्या मिल गया, N A E रहा, VD की जगह पे E V tau by ML यही आ रहा है, so this will be कितना बन गया N A square V tau by ML, इतना आ रहा है I equal to
क्लियर हो गया, सब पढ़ चुके हैं, रिकॉल करेंगे वही सब अप्लाई किया जा रहा है, इतना ही आएगा, क्लियर है ये बात। अच्छा तो अब जो हम फॉर्मूला ओम्स लॉ से सीखे हैं उसको अप्लाई करने के लिए ट्राई करते हैं। हम सीखे हैं आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, ये ओम्स लॉ से सीखे, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आई भी है, यहाँ पे आई भी है और ये एन ए स्क्वायर वी टाओ बाय एम एल जो है, आई है वी है, दोनों को कंपेयर करो, आई है एच एस में, आर एच एस में वी, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बाकी जितना रहा वो रेजिस्टेंस को बताएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि 1 बाय आर इक्वल टू होगा एन ए स्क्वायर टाओ बाय एम एल दिख रहा है, मतलब रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होगा एम एल बाय एन ए स्क्वायर टाओ, क्लियर है ये बात। ओम्स लॉ को भी यूज कर दिए और आर के लिए ये फॉर्मूला हमें मिला और इसको मेन फॉर्मूला मान के चलेंगे, ठीक है, एम एल एन ए स्क्वायर टाओ, ये मेन फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस को देखो, अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उस कंडक्टर के लिए, उस मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उस कंडक्टर के लिए, उस मटेरियल ऑफ कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट, स्क्वायर कॉन्स्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम उस कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा ये जो सब मैं जो कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ टाओ और एन की बात, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में ये सब चल रहा है, ओम्स लॉ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में रहता है, इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में है, क्योंकि आर जो होता है वो टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है, हम अलग से एक टॉपिक पूरा पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर आर और रो का, ठीक है, टेम्परेचर में डिपेंड करता है, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में बोल रहा हूँ कि एन कॉन्स्टेंट टाओ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बाकी सब कॉन्स्टेंट को हटा दो तो डिपेंड किस पे कर रहा है आर, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली, हम ये तो पढ़े थे ना कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होता है और वही तो हमें यहां से दिख रहा है, एल के ऊपर डायरेक्टली, ए के ऊपर इनवर्सली, इसको हम लास्ट क्लास में डायरेक्टली बता दिया गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखो यहां पे हमें दिख रहा है वो चीज, एल के ऊपर एल बाय ए यहां पे लिख सकते हैं, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, क्लियर है ये बात। तो ये होता है रेजिस्टेंस के लिए, और हमें पता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि R इक्वल टू होता है रो L बाय A, ये फॉर्मूला पता है, तो L है A है R है तो बाकी जो रहा वो रो हो गया, M बाय N A स्क्वायर, ठीक है, सॉरी A नहीं, N स्क्वायर टाओ, ये हो गया रो के लिए, क्लियर हो गया कि नहीं, M कॉन्स्टेंट, N कॉन्स्टेंट, E कॉन्स्टेंट, N और टाओ उस मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट, क्लियरली फिर से कंसेप्ट, N टाओ उस मटेरियल के लिए उस टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट, और हम लास्ट क्लास में बताए थे कि रो जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, अब ये सभी कॉन्स्टेंट है उस मटेरियल के लिए, तो रो कॉन्स्टेंट है उस मटेरियल के लिए, तो मटेरियल वाला प्रॉपर्टी है ये बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, देखेंगे बाद में, पर यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, तो उस मटेरियल क्या ये प्रॉपर्टी है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है रो, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला है आर का, ये रो का, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है दोनों आर और रो के लिए, तो इसको भी हमें जान के रखना है, ठीक है, ये बात क्लियर है ये सब। अच्छा तो इस फॉर्मूले को मैं रखता हूँ यहीं पे, आर वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस होता है क्या, रेजिस्टेंस के लिए हम क्वालिटेटिवली लिखे थे कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज और टू द इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली ये हो सकता है या तो वी बाय आई हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर पे रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, ओके अच्छा जब इलेक्ट्रॉन चलता है, अभी कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम पढ़े थे कि आगे वो एक्सेलरेटेड होके नहीं बढ़ पाते,
वो बार बार कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता रहता है, किसके साथ होता रहता है, पॉजिटिव आयंस के साथ, जिसको हम कर्नल भी बोलते हैं। ये वर्ड शायद हम यूज नहीं किए थे, आज यूज कर देते हैं। वो सब पॉजिटिव आयन को हम कर्नल बोलते हैं। तो उनके साथ कोलाइड होते 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 जाते हैं वो, वहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट निकाले थे, ठीक है ना। तो कोलाइड होते होते जाते हैं। तो अगर सपोज ज्यादा कोलाइड हुआ, ओके, कोलिजन अगर ज्यादा होगा, कोलिजन अगर ज्यादा होता है, तो ये टाउ क्या होगा, टाउ डिक्रीज करेगा। अब टाउ है क्या, कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम है ही, रिलैक्सेशन टाइम। अब कोलिजन बहुत सारा हो रहा है, यहां पे एक कोलिजन होता है, यहां पे एक कोलिजन होता है, पर नहीं बीच में भी एक कोलिजन हो गया, ज्यादा कोलिजन है मतलब, तो रिलैक्सेशन टाइम अब कम मिल रहा है उसको, एवरेज जब निकालेंगे तो। तो जितना ज्यादा कोलिजन रिलैक्सेशन टाइम उतना कम। तो इस इक्वेशन को देखो, अब टाओ कम होगा तो क्या ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी इक्वेशन का आंसर है कोलिजन ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम कम, तो इक्वेशन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस उसका ज्यादा, मतलब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ कर्नल्स, कर्नल्स मतलब पॉजिटिव आयंस, ये उसका मेन कॉज है। वो जो कोलिजन होते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं उनके साथ, इसीलिए तो रेजिस्टेंस है। वो नहीं होता तो चलो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से चलो, ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट ही नहीं आता तक, वो तो अलग बात है थोड़ो, पर ये चीज है। हम बोल रहे हैं कि ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, तो कैसे कंडक्टर ओपोजिशन दे रहा है, ये कोलिजन दे रहा है, और कोलिजन से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है ये बात। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये दोनों एक प्रोपोर्शनल वाले हैं, दोनों रेजिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। पर इलेक्ट्रिसिटी केस में, करंट फ्लो केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनका जो मैथमेटिकल आइडिया है, थ्योरेटिकल आइडिया है, अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे हमेशा, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बातें जानेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का ये जो मेन फॉर्मूले आज निकाले, क्लियर है ये बात। थैंक यू।